ओके इस एंगल में क्वेश्चन नंबर डी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? डी। डी आपको क्या बनाना, 120 डिग्री। इसका शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप इसका पहले आप ट्रिक यूज कर लो, क्या कि 180 डिग्री में आप 120 को सबट्रैक्ट करो, तो सबट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और इस साइड हम एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ऑटोमेटिक हमारा 120 बनेगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 60 डिग्री का एंगल बनाना है, और 60 डिग्री का एंगल बनाकर आप मान लो ये ए ओ, ये ले लो ए, ये ओ, और ये ले लो आप बी। अब इसका बैक एंगल जो है सप्लीमेंट एंगल, यानी आपका एंगल ए ओ बी ऑटोमेटिक आपका 120 डिग्री बन जाएगा, यही आपका आंसर होगा। इसी मेथड से हम लोगों को 120 डिग्री एंगल बनाना है। तो कब देखो कैसे बनता है। फर्स्ट आपको लाइन ले लो, आप कोई भी लाइन रूलर से लो, और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसे ओ लो सेंटर, इसका ये सेंटर क्या ले लो, अब आप ओ ले लो या ए लो इसे, और इधर ले लो आप ओ, इधर क्या लोगे आप ओ ले लो, ओ ले लो आप। ओके, अब आप सेंटर ओ से आपको एक सर्कल ड्रॉ करनी है, इस तरह से आपको क्या करनी है, ड्रॉ सर्कल। तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो, मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब आपको वापस ए पे ले जाओ, ए पे ले जाने के बाद आपको फिर से आर्क कट करना, जो कि सेंटर से ही पास होना चाहिए आपका। अगर आप कंपास कर जो रेडियस है उसे आप एकदम फिक्स रखे हो, इधर उधर नहीं किया, तो ये जो हमारा नेक्स्ट आर्क जाएगा वो एकदम सेंटर से ही जाएगा, तभी आपका परफेक्ट है, नहीं तो परफेक्ट नहीं है। इसमें देखो हमारा क्या गया, सेंटर से गया, सेंटर से गया, तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे आप बी ले लो। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसे आप क्या लोगे, बी। ओके, अब आप ओ को बी से आप ज्वाइन करवाओ। ओ को किससे ज्वाइन करवाओगे आप, बी से। तो ओ को ये आपका हो गया बी से ज्वाइन करा दिया, है ना। ज्वाइन करा देने के बाद अब आप देखो इसे, ओके, जब आप इसे ज्वाइन करा रहे हो तो ऑटोमेटिक ये जो एंगल बन रही है आपकी, ये एंगल क्या बन रही है, 60 डिग्री। जब 60 डिग्री बन रही है तो आप इस लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो। आप फिर से ये जो ए ओ है ना, ए ओ को आप अगेन इस साइड ले जाओ, ओके। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है आपकी, ये जो एंगल है मीन्स, अभी मैं आपको ये एंगल बनाकर दिखा रहा हूँ, ये जो एंगल आपकी बनेगी ना, ये एंगल बनेगी आपकी 120 डिग्री। कितनी बनेगी ये एंगल बनेगी आपकी 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो ये पार्ट तो आपका 60 हो गया, ऑटोमेटिक ये पार्ट आपका क्या होगा, ये पार्ट आपका 120 होगा। और आप अगर इसे चाहो तो आप चेक कर सकते हो, चेक करने के लिए आप ओके, अब आप देखो ये 120 पे आ रहा है, अभी एग्जिट 120 आपका आ रहा है। कैसे आ रहा है 120 पे, क्योंकि आप ये देखो, ये जो आप अच्छे से गौर से देखो, आप ये आपका 120 है ना, या तो ये जो लाइन आपकी जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये किससे स्टार्ट हो रही है, जीरो से। तो जीरो, 10, 20, 30, 40, 110, 120, यानी ये एंगल आपका क्या बन गया, 120। और ये एंगल जीरो से स्टार्ट करो तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये वाली एंगल आपकी 60 डिग्री हो गई।
इस मेथड से आपका 120 एंगल बन गया।